नमस्कार। बहुत लोगों ने पूछा है कि भोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे और पूछ रहे थे, तो उसके ऊपर कुछ बताइए। भोजन ऐसे जब से मनुष्य जाति का इतिहास रहा है, तब से कुछ ना कुछ मनुष्य किसी भी तरह से भोजन करता आया है, लेकिन सबसे पहले उसका व्यवस्थित रूप पाया वेदों से। वैदिक साहित्य में भोजन का वर्णन मिलता है कि सायं प्रातर अशनम श्रुति चोदितम श्रुति बोधितम। योग रत्नाकर नामक आयुर्वेद के ग्रंथ में भी यही बात बताई है कि सायं प्रातर मनुष्याणाम भोजनम श्रुति बोधितम, कि सायं और शाम और सुबह भोजन करना चाहिए, अर्थात दो समय भोजन की बात वेदों से लेकर आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई है। वाग्भट ने भी प्रातर अशनम करके, प्रातर भुक्त्वा ऐसा कहकर भोजन करने के बाद की विधि बताई है। अब प्रश्न है सुबह, तो सुबह कितने बजे, सूर्योदय के समय पर या फिर सूर्योदय के बाद या फिर कब, मध्याह्न को कब? तो हम ये बात सबको, ये प्रश्न सबको रहता है। तो भाव प्रकाश में या तो फिर योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में यह भी बताया है, या अष्टांग हृदयम के जो टीकाकार है सर्वांग सुंदरा जिन्होंने व्याख्या लिखी है अरुण दत्त जी ने, वो बता रहे हैं कि कब करना है, प्रातः का अर्थ कब। तो उन्होंने बताया है कि पहला प्रहर बीत जाने पर, पहला प्रहर अर्थात जो जनरल गिने तो सूर्योदय से लेकर तीन घंटे के बाद, अर्थात मानो सूर्योदय 6:30 बजे है तो 9:30 बाद दूसरा प्रहर शुरू होता है। दूसरा प्रहर का मध्य भाग से लेकर अंत भाग तक, अर्थात जो यदि सूर्योदय 6 बजे का माने तो भोजन 10:30 से 12 का, उसी तरह से लगभग 10:30 12 या फिर 11 से 12:30 12 का बीच का समय आता है उत्तम भोजन का। तो ये बात हुई प्रातर अशन की। ये व्याख्या अरुण दत्त जी ने सर्वांग सुंदरा नामक जो व्याख्या है भागवत जी की, उसमें ये बताया है, समय बताया है। दूसरी बात, भोजन का समय होने पर भोजन करे ऐसा जरूरी है क्या? तो आयुर्वेद में बताया है नहीं। जीर्णे भोजनम ऐसा आत्रेय का सूत्र है, जीर्णे भोजनम आत्रेय कपिल प्राणिनाम दया, अर्थात आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त का एक सूत्र हमेशा याद रखने जैसा है, समय होते पर भोजन न करे अपितु भूख लगने पर भोजन करे। समय हुआ है लेकिन भूख नहीं है तो भोजन न करे। तो सबसे पहली बात है जीर्ण नहीं हुआ है वो इंगित करता है। तो बात आती है, प्रश्न आता है कब जीर्ण होता है, तो आयुर्वेद में बताया है कि याम युग्मम न लंघयेत, याम मध्य रसोत्पत्ति, याम अर्थात प्रहर। तो उसमें बताया है कि कब हम भोजन करें, तो उसमें बताया है कि मिनिमम एक प्रहर बाद करें। भोजन किया है उसका एक प्रहर जाने दे कुछ भी खाने से पहले, अर्थात भोजन के बाद भोजन न करें, उसको अध्यसन कहा जाता है। उससे बहुत सारे रोग होते हैं और वो रोग कौन से होते हैं उसकी लिस्ट आयुर्वेद में दी गई है। तो सबसे पहली बात बताई कि याम मध्ये न भोक्तव्यम, कुछ खाया है तो मिनिमम 3 घंटे जाने दे, उसके बाद कुछ लिक्विड रह सकते। अब कब तक भूखे रहे, तो वो बोलते हैं कि याग्म युग्मम न लंघये, 3 से 6 घंटे के बीच में कभी आप खा सकते हैं, अर्थात 6 घंटे से ज्यादा समय न जाने दे, दो भोजन के बीच का काल बताया है। क्यों ऐसा है, तो भाव प्रकाश ग्रंथ में भाव मिश्र जी बताते हैं, याम मध्ये रसोत्पत्तिर याम युग में बदक्षयः, क्योंकि याम के मध्य में अर्थात प्रहर के मध्य में यदि खाया जाए तो रसोत्पत्ति में विघ्न आता है। जैसे हम कुछ दाल या फिर कुछ सब्जी चढ़ाते हैं, एक बार उसको पकाने को छोड़ देते हैं, मानो कि उसको 1/2 घंटे पकने में लगता है और 15 मिनट के बाद कोई गेस्ट आ गए तो हम क्या करते हैं, दूसरी सब्जी काटते हैं और वो उसी में डाल देते हैं जो पक रही है, नहीं कर रहे, उसको पकने देते हैं। पकने के बाद हम दूसरी बार करते हैं जरूरत रही तो, क्योंकि वो आधी पकी है उसके ऊपर हम कच्चा नहीं डालते हैं। भोजन के बाद यदि आप 3 घंटे नहीं जाने देते हो तो भोजन कच्चा रह जाता है और हम जो खा रहे हैं वो भी पाचन की प्रक्रिया में आ जाता है, वो दोनों को मिलकर अजीर्ण और एसिडिटी, पित्त की बीमारियां, बहुत सारी अपचन जनित बीमारियां और पाइल्स जैसे भयंकर रोग हो सकते हैं यदि आप भोजन के बाद 3 घंटे तक और कुछ खाते हो तब।
तो इसमें बताया याम मध्य रसोत्पत्ति और याम के याम युग्मम अर्थात दो प्रहर बीत जाने के बाद भी आप कुछ नहीं खाते हो, यदि एक भोजन किया और बाद में 6 घंटे से ज्यादा समय जाने दिया तो अग्नि है वो, उसका स्वभाव है कि वो पचाने का शिखी पचती दोषान, ऐसा बताया है कि अग्नि क्या करती है तो जैसे भोजन को पचाती है वही अग्नि धातु को खा जाएगी, धातु को पचा देगी तो हमारा बल क्षय होगा, शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए आइडियल ये है कि सुबह का भोजन दूसरे प्रहर के अंतिम भाग में 10 बजे से 12 बजे तक करें और इसके बाद का सायं का भोजन उसके बाद के 6 घंटे में अवश्य कर ले, या फिर 4 बजे कुछ ना कुछ लिक्विड आप ले ले। ये हुई भोजन की बात। अब भोजन विधि क्या है, भोजन कब की सूत और देखकर कैसे करना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, भोजन की पूरी विधि आयुर्वेद में वर्णित है। अगले वीडियो में हम पूरी भोजन के बारे में विधि बताएंगे। नमस्कार।